हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दिल्ली में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है जूनियर इंजीनियरिंग इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है। आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप सीधा वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल में जो वैकेंसीज हैं टोटल 52 हैं और इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी है वो है 27। तो कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिवीजन है कैटेगरी वाइज। आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं 16 नवंबर से, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 15 दिसंबर और फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। एज जो इन्होंने बोली है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इम्प्लॉयज़ होंगे ESIC के, उनको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स्ट्रा। आगे बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल में इलेक्ट्रिकल में वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने डिग्री भी करी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईयर्स का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं कि रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपीज़ है, और जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ है। फ़ीस आपको जो है ऑनलाइन ही देनी है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको ऑनलाइन फ़ीस भी आप पे कर देंगे उसी टाइम पे। 3 स्टेप्स होंगे आपके रजिस्ट्रेशन के। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों जो आपके एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें जो आपका सिलेबस है वो है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, 50-50 मार्क्स के ईच रहेंगे। और जो सेकेंड पेपर है वो आपका रहेगा आपके ट्रेड के ऊपर, जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल है, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। और जो एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 आवर्स का रहेगा टोटल एग्ज़ाम। और जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई भी किया है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1.25 मार्क्स जो हैं वो रॉन्ग आंसर के डिडक्ट होंगे। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है कि जनरल इंटेलिजेंस के लिए क्या सिलेबस है, अवेयरनेस के लिए क्या सिलेबस है, और सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं। तो आप जो हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।